राइस आ गया मेरा, पॉर्क फ्राइड राइस। देख के तो काफी डिलीशियस लग रहा है, खा के देखते हैं कैसा होता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज बॉय प्रीतम, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद प्रीतम। होप्स आप लोग जहां भी होंगे ताबड़तोड़ मस्ती कर रहे होंगे। तो आज का ये ब्लॉग मैं दिन का 12 बजे शुरू कर रहा हूँ। सुबह से उठ के ट्यूशन चला गया था, वहां से फ्री होके जस्ट आया हूँ और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट भी कर लेता हूँ। और आज सुबह मैंने ट्राई किया था अपना लैला को चलाने के लिए, पर इस लैला को मैं गेट से निकाल ही नहीं पाया बाहर, तो जल्दी सीखना पड़ेगा चलाना अच्छी तरह से। पापा तो सीख चुके हैं पर 90% सीखना है उनको, तो मुझे तो अभी भी गैरेज से निकालना और घुसाना डर लगता है। रास्ते पे तो चला लेता हूँ और भीड़ में थोड़ा सा डर लगता है, तो जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है गैरेज। तो आज का ब्लॉग कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, अभी नहीं बोलूंगा, ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिए। पहले जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे गैरेज। तो गाइस ब्रेकफास्ट में आज रोटी, पम्पकिन फ्राई एंड अचार, तो फटाफट से खा लेते, बने रहिए ब्लॉग में। A few moments later. तो गाइस फाइनली रोइंग की ओर निकल रहे हैं। इधर मेरा हीरो सो रहा है, तो थोड़ा भगवान जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। जय भोले बाबा, माँ आशी, बाबा चलो सीधा पेट्रोल पंप। दो तीन काम भी है, अभी भी खबर मिला, हस्बैंड बता रहा था कि रूपम इंस्टाग्राम में वापस एडमिट हुआ। तो जो मैं होने से तो मिल भी लेना था, अभी इंस्टाग्राम पर जाना पॉसिबल नहीं है। देखो भाई दादा, हो गया मेरा। थैंक यू, मैं दो कुर्ता दिया था। ये है संतोष राइडर, आज स्कूटी लेते हुए। तो बॉयज अभी संतोष भाई आ गए और तो अपन साथ में निकलते एक साथ। आज बहुत दिन के बाद एक साथ होगा ना, कभी बैठा नहीं था, बहुत दिन बाद एक साथ होगी। चलिए, मैं ब्लॉग देख रहा था आपको, देख के तो मुझे आंसू आ रहा था। हम लोग जाएंगे राइट, ओ लेफ्ट सॉरी। तो वो अपना अनिधि का पार्सल मिल गया मुझे, चलते हैं अभी सीधा रेस्टोरेंट। तो ये है क्लाउड किचन, चलिए। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे क्लाउड किचन सिंस 2021। फाइनली हम पहुंच गए हैं क्लाउड किचन में। यहाँ का एम्बियंस देखो गाइस, बहुत बढ़िया है। और मैंने जैसे आपको ब्लॉग में दिखाया था, ये जस्ट गैस एजेंसी, इसके अपोजिट में अपर फ्लोर में है क्लाउड किचन। काफ़ी सुंदर एम्बियंस है, छोटा सा है पर बहुत प्यारा है। और यहाँ पर संतोष भाई बैठे हुए हैं, और ये मेरे फ्रेंड का ही एक्चुअली, आज पहली बार आके मालूम चला हमारा डाम्बुक का अभिले नवा का बेटा का है ये। तो काफ़ी सुंदर है,
तो फिलहाल हम लोग ने ऑर्डर दिया है 2 कॉफ़ी और 1 पोर्क फ्राइड राइस, क्योंकि ये बंदा बोलता है कुछ खाएगा नहीं, ये खा के आया है बोलता है। मैं पूरा फुल राइस, पूरा फुल कॉफ़ी पीऊँगा, कॉफ़ी मेरा फेवरेट है तो वही पी लेता हूँ ना। तो पहले कॉफ़ी पी लेते हैं फिर मैं कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि मैं लंच यहीं पर करूँगा, जाके सीधा ट्यूशन जाना है मुझे। तो हैव अ I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. कॉफ़ी आ गए, पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, पी के देखिए तो कैसे। एना बैग से मैंने पिया था सबसे पहले, रिव्यू बताओ। मस्त है ना, मस्त है। चलो बढ़िया। तो गाइस आ गए मेरा पोर्क फ्राइड राइस, देख के तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, खा के देखते हैं कैसा होता है। तो अभी खा के देखते हैं कैसा होता है। आप तो नहीं खा रहे हो। ये छोटा छोटा पीस कर दिया ना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ना, खा के काफी अच्छा लगा। यहाँ पे इतना ज्यादा ले लिया था, खा ही नहीं पाया, और इसने कॉफी खाया। अभी चलता हूँ, इसका कॉफी बड़ा खत्म हो गया, अभी चलते हैं इसको छोड़ने के लिए, क्योंकि ये बंदा आज बाइक लेके नहीं आया है। डॉन लग रहा है ना गाइस, डॉन डॉन डॉन, ये बंदा आज बाइक लेके नहीं आया है, तो इसे घर छोड़ दूंगा, फिर मैं डांबू निकलूंगा। सो बने रहिए ब्लॉग में। कर रहे हैं ईदू ट्रेडिशन का ड्रेस, तो काफ़ी अच्छा लगा वो इसका होटल का, मतलब ये रेस्टोरेंट का एम्बियंस जो, और अपना संतोष भाई। चलिए चलते जाएगा। पेंडल पार्टी, पेंडल पार्टी नहीं आएगा देने के लिए। बम्बू नहीं चाहिए होगा उन लोगों, चेयर भी तो नहीं लिए, चेयर भी तो नहीं लिया उन लोगों ने। हाँ वो बड़ा वाला चेयर नहीं लिया, ये छोटा वाला ले लिया। आइए कहाँ में वो गड्ढा किया था। सो फाइनली संतोष जी के घर पहुँच गया। कैसा लग रहा है ना, इसमें हम लोग डांस किया था, जैसे दुर्गा पूजा खत्म हो गई जैसे लग रहा है। तो बहुत अजीब लग रहा है उसको ना देख के। सो बाय बाय। बहुत नया लग रहा है लेकिन बाइक को देख के। धुलाने के बाद ऐसे ही लगता है। हम अब रात को इन्फॉर्म करेगा चीजें क्या क्या कारण है। बाइक का है, बाइक तो गाइस अभी निकल गए, सीधा डांबू चलते हैं। 3 hours later हम लोग जेपीसी सर के घर पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आज हो रहा है यकजोंग। ये ऐसा है कि खेती में चावल लगाने का सीजन शुरू हो रहा है, तो उसी के लिए एक तरह का प्रेयर्स किया जाता है सबके घरों में जाके, तो काफी सुंदर हो रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको। इतना सुंदर से बंबू से बनाया गया है। Oh, my God.
दरअसल यकजुंग खत्म हो गया और सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे निंगा रंग का ये चूहा बनाया जाता है यहाँ पे, काफी अच्छा लग रहा सबको देख के। तो अभी चलते हैं यहाँ से। हाँ बाय बाय ताता, बाय बाय। हाँ सब्सक्राइब कीजिए हाँ सब लोग। हाँ ठीक है बाय बाय जय। तो गाइस फाइनली ट्यूशन खत्म करके घर आ गया, घर आके फटाफट से डिनर भी कर लिए। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लास्ट पार्ट में याजुंग कैसा लगा जो कि एक उनिंग आरान का पार्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन कमिंग फ्यूचर में आदि एंड ईदू मिसमी ट्राइब्स के बारे में कुछ सीरीज लाऊंगा, तो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने मन के सुने और अपने दिल के। दिस इज द बॉय प्रीतम साइनिंग आउट। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।